दोस्तों एक दौर था जब देश में आजादी तो आ गई थी, लेकिन अभी भी देश में राजाओं का शासन कहीं ना कहीं रह गया था, जो देश की राजनीति का हिस्सा बन चले थे। इसी कारण सरकार और उन राजशाही परिवारों में कभी बहुत अच्छी दोस्ती रही, कभी इस कदर दुश्मनी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब ऐसी एक दोस्ती थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में। दुश्मनी इस कदर कि इंदिरा को गायत्री देवी बचपन से ही पसंद नहीं थी, और जब इंदिरा सत्ता में आई तो उन्होंने तो हद ही कर दी। अपनी दुश्मनी को भुनाने के लिए उन्होंने जयगढ़ की जो महारानी का किला था उसे खुदवा दिया, जिसके लिए उन्होंने किले में फौज भेज दी, और वो भी महारानी को जेल में डालकर। तो क्या है पूरी कहानी और क्यों खजाने के नाम पर पूरा किला खुदवा दिया इंदिरा गांधी ने, आइए जानते हैं। आयशा यानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को कूच बिहार राजघराने में हुआ था। उनकी माँ इंदिरा राजे खुद बड़ौदा की राजकुमारी हुआ करती थी। माँ ने शुरू से ही बेटी को सब कुछ दिया और आयशा नाम भी। जैसे जैसे आयशा बड़ी हुई उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रही, लेकिन जब वो 12 साल की हुई तब आयशा की मुलाकात एक दिन जयपुर राजघराने के महाराजा सवाई मान सिंह से हुई, और वो भी ऐसी मुलाकात कि पहली नजर में ही वो 21 साल के महाराजा से प्रेम कर बैठी, जिसके बाद वो जब 21 साल की हुई यानी कि 1940 में दोनों ने शादी भी कर ली, और इस तरह बिहार की राजकुमारी आयशा जयपुर की महारानी गायत्री देवी बन गई। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरतों में गिना जाता था, और वोग जैसी इंटरनेशनल मैगजीन ने एक ऐसी लिस्ट में उन्हें दुनिया भर की खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल भी किया था। इसके अलावा महारानी के अपने राष्ट्रीय शौक भी थे, उन्हें पोलो खेलने और शिकार करने का बहुत शौक था। लेकिन आजादी के बाद लगभग हर राजशाही खानदान का एक ही शौक बचा था, संसद तक जाने का। इसीलिए साल 1962 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, और तो और 1,92,000 वोट पाकर उन्होंने वो चुनाव जीत भी लिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। इस चुनाव को जीतने के बाद महारानी गायत्री देवी की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। 20 अक्टूबर 1962 की शाम को वो हुआ जिससे कि गायत्री देवी की असली राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। असल में उस रोज लोकसभा में चीन और भारत के विवाद को लेकर बहस हो रही थी। बॉर्डर पर चीन ने अतिक्रमण को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नेहरू पर लगातार सवाल खड़े किए, और नेहरू किसी तरह अपनी नीतियों का बचाव कर रहे थे। उस समय लोकसभा में पुरुष सांसदों और महिला सांसदों के बीच फर्क साफ मालूम पड़ता था। पुरुष सांसदों में कॉलर चढ़ाए ट्रेड यूनियन के नेताओं समेत धोती कुर्ता पहने सांसदों के बीच औरतें सलीके से पहनी साड़ी में नजर आती, और ज्यादातर सरकार की तरफ वाली बेंच में प्रधानमंत्री नेहरू के अगल बगल बैठी थी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नायर, उप विदेश मंत्री लक्ष्मी मेनन और उप वित्त मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा। यानी इसका मतलब था कि जितनी भी महिला सांसद थी सब सरकार के पक्ष में थी, लेकिन सदन में दूसरी तरफ विपक्ष की बेंच पर मौजूद थी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी और स्वतंत्र पार्टी की मेंबर। उसी वक्त नेहरू चीन के मसले पर बोल रहे थे, लेकिन तभी विपक्ष से एक आवाज आई, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता होता तो आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। ये शब्द भारत और चीन के विवाद के लिए पंडित नेहरू से कहे गए थे, और ये आवाज थी महिला सांसद की जो विपक्ष में बैठी थी, महारानी गायत्री देवी की। नेहरू ने सुने को अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। महारानी गायत्री थोड़ी संसदीय भाषा में दोबारा अपनी बात दोहराने लगी। तब नेहरू ने नजर उठाकर कहा, मैं एक औरत के साथ जबान नहीं लड़ाना चाहता। इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और नेहरू के साथ गायत्री देवी का राजनीतिक विरोध था, लेकिन जब कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आई तो फिर लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ना होकर पर्सनल हो गई। अब ये कैसे हुआ, आइए उसे समझते हैं। दरअसल गायत्री और इंदिरा एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बनाए शांति निकेतन स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा खुद से खूबसूरत किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि गायत्री देवी बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए इंदिरा उनसे चिढ़ती थी। देश की राजनीति के दो ताकतवर परिवार हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहे। गायत्री देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया था, लेकिन अभी ये पर्सनल लड़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी, और समय आया इमरजेंसी का जिसमें इंदिरा गांधी ने दिखा दिया कि वो अपने विरोधियों को हराने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इमरजेंसी के दौरान दोनों के बीच का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। किस्सा मशहूर है कि इंदिरा ने महारानी को जेल में डालकर जयगढ़ के किले में फौज भेज दी थी। इस किस्से को लेकर कई सारी कहानियां बनी हुई हैं, जैसे कि उस दौर में इंदिरा ने सेना को आदेश दिया था कि जयपुर घराने के सारे बेशकीमती आभूषण और हीरे जवाहरात जो उन्होंने छुपा कर रखे
उन्हें खोद कर लाना है। ये भी कहा जाता था कि इंदिरा ने बाद में कहा था कि वहां फौज को कुछ नहीं मिला, जबकि कई ट्रक सोना हड़प लिया गया था। जयपुर में कई गाइड आज भी सैलानियों को यह किस्सा सुनाते रहते हैं। एक और कहानी के अनुसार ये सब कुछ संजय गांधी के इशारे पर हुआ था। संजय गांधी ने हिंदू मुस्लिम दंगों का बहाना बनाकर आमेर में 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया था और उसके बाद सेना को खुदाई करने भेजा। खुदाई में 60 ट्रक सोना, चांदी और जवाहरात मिले। सबकी नजरों से बचाकर इसे जयपुर से दिल्ली ले जाया गया। वहां नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी के 2 बड़े प्लेन तैयार रखे हुए थे। वहां से संजय और इंदिरा ने उस खजाने को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया। लेकिन ये कहानियां कितनी सच थी, आइए देखते हैं। असल में हुआ क्या था, इसके बारे में खुद महारानी गायत्री देवी ने बताया था। ये बात इमरजेंसी से पहले की है। तब तक महारानी गायत्री देवी को जेल में नहीं डाला गया था। इंदिरा जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा हो रहे जन आंदोलनों से बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए कारोबारी घरानों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी शुरू करवा दी। इन छापेमारियों में ग्वालियर और जयपुर के राजघरानों के लिए अलग से गैर जरूरी कार्यवाही का आदेश दिया गया, क्योंकि ग्वालियर की राजमाता और गायत्री उस संसद में विपक्ष के सदस्य थे। 11 फरवरी 1975 की बात है, इमरजेंसी लागू होने में अभी 4 महीने बाकी थे। उस रोज गायत्री देवी अपनी छत पर नाश्ता कर रही थी, जब एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। गायत्री देवी नीचे पहुंची तो उन्हें पता चला कि लोग इनकम टैक्स ऑफिसर थे। महारानी गायत्री देवी की मोती डूंगरी वाली प्रॉपर्टी की छानबीन की गई। उनके हर घर, हर ऑफिस, सिटी पैलेस, म्यूजियम, रामबाग पैलेस होटल, उनके बच्चों के घरों और दिल्ली के सांसद आवास पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा जयपुर फोर्ट पर भी छापा मारा गया और यहीं से गढ़ा हुआ सोना मिलने की कहानियां शुरू हुई। एक दिन जब इनकम टैक्स अधिकारी मोती डूंगरी के आंगन में छानबीन कर रहे थे तो उन्हें जमीन में दबे सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों को राजा मान सिंह ने नाहरगढ़ के किले से यहाँ पर लाया था। जयपुर रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ, उससे पहले सिक्के नाहरगढ़ किले के खजाने में रखे हुए थे और यही वो सिक्के थे जिन्हें खजाने की शक्ल देकर कहानियां कही जाने लगी। लेकिन गायत्री देवी ने इन सिक्कों के बारे में बताया था कि इस सोने का जिक्र जयपुर रियासत के आखिरी बजट में किया गया था और एक एक सिक्के का हिसाब था। लेकिन इसके बाद भी इंदिरा ने जबरदस्ती अपनी ताकत का फायदा उठाकर गायत्री देवी को परेशान करती रही। इसके बाद टैक्स अधिकारियों को जो सोना मिला था उसमें 26 लाख की गोल्ड बिस्किट, शाहजहां के वक्त की सोने की मोहरें थी जिनकी कीमत उस वक्त करीब 8 करोड़ रुपए थी। इस मामले में 30 साल तक कोर्ट में केस चला। चूंकि जयपुर रियासत के पास पूरा हिसाब था, इसीलिए ये सिक्के ट्रकों में भरकर कहीं नहीं ले जाए गए, बल्कि जयपुर राजघराने की मिल्कियत ही बने रहे। इसके कुछ महीने बाद जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित करवा दी और उसके बाद अपने विरोधियों को जेल भेजना शुरू किया। इसी दौरान गायत्री देवी को भी तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। वहां उन्हें 5 महीने रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद गायत्री देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए जिस देश में एक तानाशाह का राज हो वहां लोकतंत्र की कीमत ही क्या है। इस तरह ताउम्र दोनों की लड़ाइयां चलती रहीं और 2009 में बीमारी के कारण गायत्री देवी की मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।